आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन विभागीय अधिकारियों के अनदेखी इन दावों की पोल खोलती नजर आई। जी हां, ऐसा ही एक मामला सीकर के अजीतगढ़ में सामने आया। यहां खुलेआम आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां शिक्षण संस्थानों के पास शराब का ठेका खोलने के मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीण विरोध में उतर आए। ग्रामीणों ने ठेकेदार और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया और साथ ही शराब का ठेका दूसरी जगह शिफ्ट करवाने की मांग को लेकर सीएम और विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी कि शीघ्र ही शराब का ठेका नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये ठेका पीछे खोला जा रहा है, रहवासी इलाके में ये ठेका खोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये गलत है, ये नहीं खोला जाना चाहिए। यहाँ पास में ही एक निजी स्कूल भी है और थोड़ा सा आगे जाके गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भी है यहाँ। और रोड से आप देख सकते हैं, रोड से ये 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, रास्ते को घुमा फिरा के पूरी दूरी तय करी गई है। तो कल भी, जबकि अभी ये पूरी तरह खुला नहीं है, फिर भी यहाँ पर कई प्रकार के लोगों ने शराब पीकर रात को लड़ाई झगड़ा और हाथापाई की नौबत तक आ गई। हाँ, हमने कई संभागीय अधिकारियों को अवगत कराया, उन सभी का जवाब ना ही है, वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ये काम होगा ही, वो कर ही रहेगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।